और नए पाकिस्तान के हवाले से फनकार बरादरी ने भी किया नेक तमन्नाओं का इजहार। इस हवाले से अदाकारा मावरा हुसैन क्या कहती हैं, ये बता रही हैं हमारी नुमाइंदा लबीबा अरशद। लबीबा, क्या कहना है मावरा हुसैन का? जी, ईद कुर्बान का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, जिसकी एक वजह ये भी है कि ईद कुर्बान पर जवानी फिर नहीं आनी पार्ट टू रिलीज़ होने वाली है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस मावरा हुसैन, जो कि सबकी बहुत फेवरेट है, मेरी खुद की भी काफ़ी फेवरेट है। अच्छा मावरा, ये बताइएगा कि जवानी फिर नहीं आनी पार्ट टू आपकी पाकिस्तानी डेब्यू है, कैसा लग रहा है आपको? इतनी जो है बड़ा नाम है जवानी सीरीज़ का, और कैसे में कैसा काम करना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, डेब्यू एक ही होता है, ऑडियंस के लिए ये डेब्यू नहीं है। ऑडियंस ने मुझे देखा है पहले ड्रामास में, पिछली फिल्म में, तो डेब्यू का प्रेशर तो अब मैंने छोड़ दिया है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ्रेंचाइज का पार्ट बन के, क्योंकि ये मेकर्स बहुत अच्छे हैं, इन लोगों की फिल्म्स ने पहले बहुत अच्छा डिलीवर किया है। मुझे लगता है कि ये ऑडियंस को समझते हैं कि उनको क्या देखना है। तो आई होप कि जवानी फिर नहीं आनी टू इनकी पिछली फिल्मों से भी बेहतर परफॉर्म करे, और आई होप कि ऑडियंस बहुत इंजॉय करे हमारा काम। अच्छा मामा, ये बताइएगा कि जैसा कि ट्रेलर में देखा जाता है कि आपकी और फाहद की जो पेयरिंग है उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो और आपका जो रोल है वो भी काफ़ी ग्लैमरस देखने में नजर आ रहा है, तो आप कोई डायलॉग अपना सुना दे जो आपका काफ़ी फेवरेट हो अपना। एक्चुअली आप लोगों ने देखा उसमें मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता ट्रेलर में, तो वो कुत्ता मेरा कुत्ता, तो मैं वही डायलॉग जो ट्रेलर में आप लोग देख चुके हैं बोल देती हूँ। पप्पी से मिली हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा कि नया पाकिस्तान जैसा कि बने, नए प्राइम मिनिस्टर है, और उसके हवाले से कुछ अपने रिव्यूज से। उसके हवाले से हमें बहुत खुशी है, दिल को बहुत सुकून है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तौफीक दे, जो भी उन्होंने हमसे वादे किए हैं वो पूरे कर पाएँ, हम अच्छे पाकिस्तानी बन के दिखा सकें, हम वादे पूरे कर पाएँ नया पाकिस्तानी बनने के। आई होप कि इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार्ट फॉर अ न्यू फ्यूचर। बिल्कुल, अदाकारा मावरा हुसैन से हमारी बात हुई। इनका कहना था कि जो है नए पाकिस्तान में सबसे पहले एक नया पाकिस्तानी बनना बहुत ज़रूरी है, और इनके जवानी फिर नहीं आनी टू के हवाले से भी हमारी उनसे बात हुई। इनका कहना था कि फिल्म के रिलीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। जी।